नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के बाद नीतीश कुमार की मोदी के खिलाफ हुंकार, जो 2014 में आए वह 2024 में नहीं रहेंगे। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रहेगी रोक, नूपुर के खिलाफ FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने के भी निर्देश। बिहार में नीतीश कुमार ने 8वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ, तेजस्वी यादव बने डिप्टी CM। शपथ ग्रहण के बाद बोले तेजस्वी, चाचा भतीजा फिर एक साथ। बिहार में सत्ता से बाहर होते ही भाजपा का नीतीश सरकार पर हल्ला बोल, पटना में दिया धरना, नीतीश पर लगाया गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप, JDU का पलटवार, कहा भाजपा ने की पार्टी तोड़ने की कोशिश। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने राशन कार्ड धारकों को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किए जाने का लगाया आरोप, कहा तिरंगे की कीमत, गरीब का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग से मांगा समय, पार्टी के दावे पर आयोग ने 2 सप्ताह में दस्तावेज जमा करने के लिए निर्देश। मध्य प्रदेश के विदिशा के लटेरी के जंगल में लकड़ी काटने गए आदिवासियों पर वन कर्मियों की फायरिंग, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, घटना की न्यायिक जांच के आदेश, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान ने पकड़ा जोर, लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए भोपाल की सड़कों पर उतरे मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष CM शिवराज ने बच्चों की लगाई पाठशाला। NCP प्रमुख शरद पवार ने भाजपा पर अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म करने का आरोप लगाया, भाजपा से नाता तोड़ने के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले का किया समर्थन। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का दावा, बिहार की नई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजग को वोट देने वाली बिहार की जनता का अपमान किया। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा, भाजपा के साथ गठबंधन में असहज महसूस कर रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम का असर फिलहाल राज्य तक ही सीमित रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन की जिम्मेदारी दी गई, इससे पहले विधान परिषद में नेता सदन रहे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने छोड़ दिया था पद। केंद्र सरकार ने उन वयस्कों को कोर्बोवैक्स टीके की बूस्टर खुराक देने को मंजूरी दी है जो कोविशील्ड या कोवैक्सीन टीके की 2 खुराक ले चुके हैं। देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब पहली और दूसरी खुराक के तौर पर दिए गए टीके से अलग कोई टीका बतौर एहतियाती खुराक लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की लागत के एथनॉल संयंत्र को किया राष्ट्र को समर्पित, मोदी ने कहा कि दूसरी पीढ़ी के इस संयंत्र से किसानों को लाभ होगा और प्रदूषण में आएगी कमी। सुनील बंसल को भाजपा ने नियुक्त किया राष्ट्रीय महासचिव, बंसल उत्तर प्रदेश इकाई में लंबे समय से संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गुजरात में अरविंद केजरीवाल का एक और चुनावी वादा, कहा अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा 1000 रूपए मासिक भत्ता। तमिलनाडु की CID आइडल विंग ने तंजावुर जिले के स्वामीमलाई में एक स्थान से 5 प्राचीन मूर्तियों समेत 8 मूर्तियां जब्त की, इनमें से 5 मूर्तियां 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 36 अंक की गिरावट के साथ 58,817 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 10 अंक की हल्की बढ़त के साथ 17,535 अंक पर हुआ बंद। बॉक्स ऑफिस पर कल होने जा रही है वर्ष की सबसे बड़ी टक्कर, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन एक साथ हो रही है रिलीज, फिलहाल दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में खास उत्सुकता नहीं। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को जिम में वर्कआउट करते समय पड़ा दिल का दौरा, उन्हें दिल्ली स्थित एम्स में किया गया भर्ती, राजू की बेटी के अनुसार अब उनके पिता की तबीयत ठीक है। ये थी फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।